टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी के बावजूद इंडोनेशिया द्वारा निर्यात खोलने के कारण देश भर में तेल तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह अधिकांश तेल तिलहनों की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला। सोयाबीन डीओसी की मांग बढ़ने से सोयाबीन तिलहन के भाव में सुधार आया, जबकि गिरावट के आम रुख के अनुरूप सोयाबीन तेलों की कीमतों में गिरावट देखी गई। बाजार सूत्रों का कहना है कि इंडोनेशिया द्वारा निर्यात खोले जाने के बाद विदेशों में सूरजमुखी को छोड़कर सोयाबीन पामोलिन तेलों के दाम में लगभग $100 की कमी हुई है। ऊंचे दामों पर देश में आयात घटा है और स्थानीय मांग की पूर्ति देशी तेल जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला और सरसों के द्वारा की जा रही है। इसमें सबसे अधिक दबाव सरसों पर है, जो आयातित तेलों से कहीं सस्ता बैठ रही है। आयातित तेलों की मांग भी नहीं के बराबर है, जिससे पिछले साल के मुकाबले इस बार अप्रैल में आयात लगभग 13% घटा है। सूत्रों ने बताया है कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में सरसों का भारी मात्रा में रिफाइंड बनाया जा रहा है, लेकिन आयातित तेलों की कमी को इन तेलों से पूरा करने की भी एक सीमा है। इसके कारण आने वाले दिनों में सरसों जैसे कि तिलहन की किल्लत पैदा हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों में खाद्य तेल आपूर्ति की दिक्कतों से बचने के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों को सरसों जैसे तिलहनों का स्टॉक बना लेना चाहिए और सरकार को खुदरा कारोबार में जहां धांधलेबाजी हो उसे रोकने का इंतजाम करना चाहिए। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।